चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है इंटरनेट सपोर्टिंग हार्डवेयर, यानी कि इंटरनेट पे या आपके नेटवर्क पे कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले बेटा, आपके पास एक होता है सर्वर। सर्वर का काम होता है नेटवर्क पे सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्वर का काम होता है नेटवर्क पे सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो डेफिनेशन देखो मैंने क्या हाईलाइट करी, अ सिस्टम विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क। बोलो क्या? अ सिस्टम विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क। ठीक हो गया बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, कराची से इस्लामाबाद तक आप फाइबर ऑप्टिक केबल डालो। आप बोलोगे सर फाइबर ऑप्टिक केबल तो आपने पढ़ी नहीं। अच्छा, इसको आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जौहर से भादराबाद तक एक केबल डालनी। जौहर से भादराबाद बहुत दूर है, ठीक है, तारीख होती है। तो एक्चुअल में आप जब सिग्नल को यहाँ से शूट करोगे, जब सिग्नल आपके शूट हो रहे होंगे तो बीच में वो सिग्नल डाउन हो जाएंगे। वो सिग्नल को फुल स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, फुल स्ट्रेंथ देने के लिए आप क्या लगाओगे बेटा? रिपीटर लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? रिपीटर्स। क्या लगाओगे बेटा? रिपीटर्स। एक्चुअल में रिपीटर आर दोज डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू केबल एंड प्रोवाइड फुल स्ट्रेंथ सिग्नल यानी कि कोई सिग्नल अगर ड्रॉप होने के चांसेस हो तो हम बीच में उस वायर को ब्रेक करके बीच में क्या लगा देते हैं? रिपीटर, ताकि उसके पूरे सिग्नल एक कोने से दूसरे कोने तक जा सके। ठीक है, तो सर्वर और रिपीटर सबको समझ आ गया बच्चों? जी सर, क्लियर है। बेटा अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्रिज। ब्रिज का काम होता है दो लोगों को आपस में मिलाना। एग्जाम्पल तो चेक करें भाई। बेटा ये एक बिल्डिंग है, अच्छा ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो नेटवर्क होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। ये सेकंड बिल्डिंग है, इसमें भी जो नेटवर्क होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। बच्चों अगर लैन को ही, एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से मिलाना है तो ब्रिज इस्तेमाल हो, राउटर नहीं। राउटर कब इस्तेमाल होता है? जब राउटर कब इस्तेमाल होता था? जब वैन से मिलाना, जब हाँ जब लैन को वैन से मिला रहे थे, ठीक है। और ब्रिज का इस्तेमाल सर, लेकिन राउटर के अंदर भी तो वेरियस लाइंस होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं, राउटर भी इस्तेमाल हो सकता है, बट ये ब्रिज बिहेव, राउटर कैन बिहेव लाइक ब्रिज, ये वर्ड बोल सकता हूँ। ओके सर, आप राउटर लगाओगे तब भी ये काम होगा, ठीक है। ये बात मैं अभी बताता, तुमने बीच में मुझे बोल दिया। बेटा एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से मिलाने के लिए, यानी कि टू एक्सटेंड द लैन नेटवर्क, ये वर्ड बोल दो। एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से मिलाने के लिए हम ब्रिज इस्तेमाल करेंगे, और ये ब्रिज राउटर के अंदर भी बिल्ट इन होता है। तो राउटर लैन टू लैन भी करता है, राउटर लैन टू वैन भी करता है, बट कभी भी राउटर का ये फंक्शन नहीं लिखना कि राउटर कैन कनेक्ट लैन टू लैन, ठीक है। राउटर में वो चीज जो लैन को लैन से मिलाती है वो ब्रिज होती है, ठीक है बच्चों। तो आइएगा जरा ब्रिज के बारे में डेफिनेशन दिखा दूं कि भाई ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कैन कनेक्ट टू सेगमेंट ऑफ लैन, ठीक है, दो सेगमेंट ऑफ लैंड, ठीक है बच्चों। बच्चों ये बात आपको पता है या मैं आपको दिखा दूंगा? देखो ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर जो कार्ड होगा, उस कार्ड को बोलता हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलता हूँ बेटा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरे मोबाइल फोन को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। और वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है अगर नहीं होगा तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो PTA कंपनी है ना, PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये एक्चुअल में NIC को ही रजिस्टर्ड करती है। NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाला नहीं बनी, आपके मोबाइल फोन का, आपके लैपटॉप का, आपके टैबलेट का एक वाईफाई या वायरलेस या वायर वाला कार्ड होता है, उसका जो नंबर होता है ना एक्चुअल में NIC का जो नंबर होता है वो एक्चुअल में MAC एड्रेस कहलाता है। NIC का जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? MAC एड्रेस, ठीक है। और NIC यानी कि MAC एड्रेस हमेशा सेम होता है, यूनिक होता है बेटा, यूनिक होगा, ठीक है ना? तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर, वो आपने जो PTA का बोला, वो लोग MAC एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस रजिस्टर करते हैं अपने पास, तो वो IMEI नहीं करते? IMEI देखो, IMEI एक MAC एड्रेस की क्या बोलते हैं, एक फॉर्म ना, एक्चुअली वो MAC एड्रेस, आप IMEI नंबर देखो तो MAC की फॉर्म में नहीं होता। जी जी, IMEI उसकी डेप्थ मतलब उसकी डिटेल है, एक्चुअल में दिस इज अ MAC एड्रेस।
ओके चलो अब आ जाओ बच्चों स्विच और हब, इसको आसान करके मैं आपको पहले बता दूं कि स्विच और हब में फर्क क्या होता है। स्विच और हब, हब आपके सिलेबस में है नहीं, हब पुराने जमाने में था, ओल्ड है, और स्विच क्या होता है बेटा, न्यू है। ठीक है ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप हब हो ना, हब हब क्या करता था, अगर ये तुम्हारे पास हब लगा हुआ है और ये तुम्हारे पास वन पोर्ट है, ये तुम्हारे पास टू पोर्ट है, ये तुम्हारे पास थ्री पोर्ट है और ये तुम्हारे पास फोर पोर्ट है, तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर इस कंप्यूटर को पहले पोर्ट को इस फोर पोर्ट से बात करनी होती थी ना, तो हब हमेशा क्या करता था, हब ऑलवेज डू ब्रॉडकास्ट, हब हमेशा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल, यानी कि ये जो वन है ना, ये टू पे भी जाता जाके डिस्टर्ब करेगा, ये थ्री को भी डिस्टर्ब करेगा, ये फोर को भी डिस्टर्ब करेगा, फोर बोलेगा अच्छा भाई डेटा यहाँ पर है, तो इसमें इसमें हमेशा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, इसमें हमेशा क्या होगा बेटा, ब्रॉडकास्ट होगा। और ब्रॉडकास्ट का मतलब एक्चुअल में क्या है, अदर पोर्ट्स आर डिस्टर्ब ना, अदर पोर्ट्स आर डिस्टर्ब, दूसरी पोर्ट क्या होंगी बेटा, डिस्टर्ब होंगी, एंड दिस इज रॉन्ग ना। अच्छा ये दिस इज रॉन्ग, एक्चुअल में करना क्या चाहिए था इसको, ये बताएं तेरे जल्दी से, अमार तानियान क्या करना चाहिए था। किसी एक को ट्रांसफर करना चाहिए था सारे पैकेट जिसका है आपको उसके नाम पे। डिस्टर्ब करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, नहीं सर, नहीं करना चाहिए, ये इंटेलिजेंट कौन हो गया, स्विच। तो स्विच के अंदर मैंने लिखा है कि भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, कैसे इंटेलिजेंट है, पहली मरतबा ब्रॉडकास्ट करता है, फर्स्ट डू ब्रॉडकास्ट, पहली मरतबा ब्रॉडकास्ट करेगा और लर्न कर लेगा कौन सी पोर्ट पे कौन सा पीसी लगा हुआ है, फर्स्ट डू ब्रॉडकास्ट एंड लर्न पोर्ट आईडी, पोर्ट आईडी डिटेल। अच्छा ये जो पोर्ट आईडी डिटेल को वो लर्न कर रहा है ना एक्चुअल में, इसको एक टेबल में रखता है बेटा, उस टेबल को बोलता हूँ मैक टेबल, क्या बोलता हूँ बेटा, मैक टेबल, क्या अच्छा बोलूंगा बेटा, मैक टेबल, या मैक लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि स्विच ये सर, पढ़ाने दो, इसको नहीं बोलते, मैंने कहा स्विच जो है वो पहली मरतबा ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा, ताकि उसको पता लग जाए ना कौन सी पोर्ट कहाँ पर रखी हुई, सही है, रखने के बाद वो मैक टेबल बना लेगा। अच्छा मैक टेबल में क्या होता है क्या नहीं होता अभी हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अब स्विच कैसे काम कर रहा है जरा उसको बता दो बेटा, ये आपके पास है वन, ये आपके पास है टू, ये आपके पास है थ्री और ये आपके पास है फोर। अब क्या हो रहा है, जब पहली मरतबा वन ने फोर को डेटा भेजा तो उसने मैक टेबल बना लिया, कैसे टेबल बना लिया, उसने कहा कि भाई सर वन पे एक पीसी लगा हुआ है, उस पीसी का एनआईसी ये है, ठीक है, वन पे एनआईसी वन वाला लगा हुआ है, तो वन पे एनआईसी वन वाला लगा हुआ है, टू पे कुछ भी नहीं लगा हुआ खाली है, थ्री पे कुछ भी नहीं लगा हुआ खाली है, और फोर पे कोई एनआईसी फोर वाला पीसी लगा हुआ है, ये सब उसने याद कर दिया, और याद करके जो मेमोरी बनी है उस मेमोरी को बोलते हैं मैक टेबल, क्या बोलते हैं बेटा, मैक टेबल। अब जब अगली मरतबा फोर इस वन को डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा तो क्योंकि वो पहले जाएगा मैक टेबल में, मैक टेबल से बोलेगा भाई टू पे डेटा है, वो बोलेगा नहीं थ्री पे डेटा है, नहीं, तो याद हो जाएगा कि भाई एनआईसी वन पे है, तो ये हेल्प जो करवा रहा है बाकी पोर्ट्स डिस्टर्ब को बगैर डिस्टर्बेंस करे, ये कौन करवा रहा है, स्विच, कौन करवा रहा है, स्विच। बच्चों स्विच और हब में कोई मसला नहीं होगा मुझे अंदाजा है, बच्चों एक वर्ड आपको और बता रहे हैं, उस वर्ड को बोलते हैं कोलिजन, क्या बोलते हैं बेटा, कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, जरा सोच के बताना, जब मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा हमेशा वन जो है वो टू पे जाएगा, टू थ्री पे जाएगा, थ्री फोर पे जाएगा, या फोर उसी टाइम पे, फोर उसी टाइम पे अगर बाकी पोर्ट्स को डिस्टर्ब करेगा, तो क्या ब्रॉडकास्टिंग करते हुए क्या हब के अंदर बार बार डेटा एक दूसरे से टकरा सकता है, ये सुन लो, यस उस टकराने को क्या बोलते हैं, कोलिजन, कोलिजन कोलिजन के चांसेस किसमें ज्यादा है, हब में, हब में। किनमें,
क्योंकि वो बार बार दूसरी पोर्ट को डिस्टर्ब करेगा, और अगर टू वे कम्युनिकेशन हो गई यानी कि डेटा जा भी रहा था आ भी रहा था तो वो टकरा गया और पैकेट लॉस हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। सेम बच्चों अगर मैं स्विच के अंदर आऊंगा तो स्विच के अंदर दूसरी पोर्ट तो डिस्टर्ब नहीं होंगी, अदर पोर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब, बट कोलिजन के चांसेस तो यहाँ पर भी है ना। क्यों है? क्योंकि अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, अगर जा भी रहा है डेटा और आ भी रहा है तो कोलिजन हो सकता है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ कोलिजन से बचने के लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का नाम क्या होगा? सिस्मा सीडी। हाँ, करियर स्ट्रेंथ्स मल्टीपल एक्सेस। बोलो क्या होगा? एक्सेस करियर कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन हम पढ़ेंगे, ताकि आपका कोलिजन जो है ना, म्यूट करो अपने आपको, ताकि आपका कोलिजन जो है ना वो रिमूव हो सके। मैंने आपको क्या बोला कि हब के अंदर तो भरपूर कोलिजन होता है, स्विच के अंदर भी कोलिजन हो सकता है, बट हम सी एस एम में सी डी चला देते हैं, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। वो कैसे होता है, क्या होता है, हम अभी पढ़ेंगे। वो इनके कोलिजन्स को डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ बेटा। यहाँ पर बेटा मैंने स्विच पढ़ाना था, तो स्विच को मैंने इतना डिटेल में कराया कि भाई पहली मर्तबा ब्रॉडकास्ट, उसके बाद यूनिकास्ट। बच्चों ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1 to all, और यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1। इस वक्त जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ या यूनिकास्ट कर रहा हूँ? मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट कैसे? एक स्पेसिफिक ग्रुप है ना। तो डिस्टर्ब नहीं करूँ ना भी, अगर मैं दो वर्ड आपको दे रहा हूँ यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में 3 वर्ड होते हैं ना, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि भाई टीवी किस सैटेलाइट जैसे आ रही है ना, 1 to all, ठीक है। और एक होता है मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to specific ग्रुप ऑफ पीपल। और एक होता है 1 to 1, 1 to 1 क्या होता है, यूनिकास्ट। तो एक्चुअल में स्विच के अंदर आप पहले ब्रॉडकास्ट करके लर्न कर लेते हो, एंड देन उसके बाद क्या करते हो, यूनिकास्ट, ताकि इंटेलिजेंट हो जाए। अब बच्चों सिंपल सी बात है, आपको एक टर्मिनोलॉजी बतानी है मुझे, वो होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, द कनेक्टिंग डिवाइस विद इन अ वाईफाई लैन जिससे सिग्नल स्प्रेड होते हैं। राउटर के अंदर वाईफाई सिग्नल को देखो, राउटर तो लैन को वैन से कराया है ना, बट राउटर आपके छोटे एरिया के अंदर सिग्नल स्प्रेड करता है ना, और वो आपका वाईफाई कहलाता है। आप बोलते हैं यार वाईफाई का पासवर्ड क्या है, एक्चुअल में वो वाईफाई नहीं होता, एक्चुअल में वो WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। जब कंप्यूटर वाले लोग बात करते हैं, वो कहते हैं यार एक्सेस पॉइंट का लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट एक्चुअल में आपको वाईफाई नेटवर्क देता है, आपको वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर ऑब्वियसली बात है वायर नहीं होगा। और बच्चों वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये कितना आसान है बेटा, एक बात बताओ, 2 तरीके के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, अभी हमारी इस पे बात हुई, एक होगा वायर वाला और एक होगा वायरलेस। आपके मोबाइल फोन के अंदर वायर लगता है या वायरलेस? वायरलेस। वायरलेस है, तो वो होगा वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और अगर आपके पास कोई पुराना डेस्कटॉप पीसी हो तो उसमें वायर वाला लगता होगा, तो वो कहलाएगा क्या, वायर वाला NIC, सही। अब एक और टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या है बेटा? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिस ये एक फीचर का नाम, जिसका काम पता है क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ऐसे कहता हूँ, एग्जाम्पल आप आए क्लास में, 100 बच्चे बैठे, ठीक है। जब आप आओगे तो आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा, ये कैम्ब्रिज आपको एक नंबर अलॉट करता है, कैंडिडेट नंबर। वो कैंडिडेट नंबर उनका एक सीक्वेंस नंबर होता है और फ्री स्लॉट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से राउटर के अंदर भी आपको एक फीचर मिलती है, उस फीचर का नाम होता है DHCP। DHCP का काम होता है एक आपको या यूजर को एक IP असाइन करना, लेकिन अपनी फ्री स्लॉट में। तो DHCP प्रोवाइड द IP एड्रेसेस फ्रॉम देयर फ्री स्लॉट। अब आप बोलोगे सर ये तो राउटर काम करता है, यही बोलोगे ना, अभी मैंने आपको बताया कि राउटर IP असाइन करता है,
राउटर के अंदर वो कौन सी फीचर होती है जो आईपी असाइन करती है, वो होती है क्या, डीएचसीपी। जैसे राउटर में प्राइवेट और पब्लिक आईपी को कौन कनेक्ट कर रहा था, जल्दी बताओ, नेट नेट, ठीक है ना। तो राउटर में पब्लिक और प्राइवेट आईपी को नेटिंग कर रहा था। राउटर में ही जो आईपी असाइन करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है बेटा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक बात याद रखना, ये डीएचसीपी मोस्टली जो कॉरपोरेट क्लाइंट होते हैं उसमें डीएचसीपी सर्वर में लगा हुआ, तो सर्वर जो है एक्चुअल में सबको फ्री स्लॉट वाली आईपी प्रोवाइड करता है। इसको आसान करते हैं बेटा, आकिब अहमद अरीब मुस्कान, ये चार लोग। आकिब आया, आकिब को आईपी मिली 192.168.0.1, उसके बाद अहमद आया उसको 0.2, फिर उसके बाद अरीब आया 0.3, अब आकिब चला गया। तो डीएचसीपी ने अपने पास नोट कर ली कि भाई 0.1 वाली जो आईपी है ना वो आकिब चलाएगी, अब कोई आएगा मैं उसको दे दूंगा। जैसी अरीबा आएगी तो उसको क्या मिलेगा, आकिब वाली आईपी, है जीरो डॉट ना, आकिब वाली आईपी। ये सब चीजों को मैनेज करने वाला कौन होता है, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे नेटवर्क सपोर्ट हार्डवेयर होते हैं।